और यहाँ भी आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में मरहूम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह की वालदा सलमा बीबी का कहना है कि आमिर के बेटे को गुस्ल के वक्त ही बाप के कातिल का पता चल गया था, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। अदालत के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए सलमा बीबी ने कहा कि मेरी बेटी बेवा है और हकदार है। हम शुरू से इस मौकिफ पर कायम है कि आमिर लियाकत का कत्ल हुआ, पोस्टमार्टम करवाएं, बुशरा क्यों रोक रही हैं? हम आमिर के मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पर केस कर रहे हैं। FIA ने हम पर केस किया, लोधरा पुलिस और FIA के 10 लोग थे जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, बच्ची को मारा और बगैर दुपट्टे और जूती के बच्ची को गाड़ी में लोधरा से कराची ले आए। दानिया की वालदा का कहना था कि बुशरा कह रही हैं कि आमिर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मगर आमिर अरबों की प्रॉपर्टी है। आमिर के कत्ल की कार्रवाई होनी चाहिए और जो जुर्म में शामिल निकले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि सलमा बीबी ने मजीद कहा कि आमिर के बेटे ने गुस्ल के वक्त उनके जिस्म पर निशान देख लिए थे, इसीलिए वो भाग गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे बाप का कत्ल हुआ है और मेरी माँ इस कत्ल को छुपा रही है। दानिया और आमिर लियाकत की खुला पर उनकी वालदा का कहना था कि हमने दरख्वास्त दायर की थी लेकिन खुला नहीं हुई थी, 5 जून को हमारी सुलह हो गई थी, जिसकी वीडियो का इल्जाम लगा वो फोत हो चुका था। अब किसी को ये हक नहीं बनता कि वो केस करे। सलमा बीबी ने मजीद कहा कि बुशरा और उसके बच्चों पर अल्लाह का कहर पड़ेगा। बुशरा ने ताल्लुक की बिना पर दानिया को घर से नंगे पैर और बगैर चप्पल के कराची उठवाया है, उसने हमारे साथ ज्यादती की है, उनके बच्चे और बेटी पर भी जुल्म होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।